आज मैं आपको अपने चैनल पर बना के दिखाऊंगी हरी भरी कुंदरू की सब्ज़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर भी होती है। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे और उसमें तेल डालकर जीरा और प्याज डाल देते हैं, और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है। तो इसे हमें अच्छे से चलाते हुए, जब तक कि हमारी प्याज गोल्डन ना हो जाए, हमें इसे अच्छे से तल लेना है। फिर इसमें हमने दो टमाटर, थोड़ा सा अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ था उस पेस्ट को इसमें डाल देंगे, और साथ में डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और एक बड़ा चम्मच धनिया, और इन सबको हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका हम मसाला बना लेते हैं। और मसाले को हमें जब तक अच्छे से भूनना है, जब तक ये चारों साइड से तेल ना छोड़ने लगे। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने पूरी सब्ज़ी का नमक इसमें डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से धीमी आंच पर भून लेते हैं। आप सब लोग बताएं आपको कुंदरू की सब्ज़ी कैसी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, और जब मसाला हमारा तेल छोड़ने लगे, तो ये हमने कुंदरुओं को चार पीस में कट कर लिया था, तो इन्हें हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें मिक्स कर कर हम किसी बर्तन से ढक कर रखेंगे, क्योंकि कुंदरू है जो हमारी थोड़े देर से पकती हैं, तो इन्हें हम ढक देते हैं। और इसे पकने में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो हर 5 मिनट में हम इसे इसे अलट पलट कर देते हैं, जिससे नीचे से लगे ना। और बनकर तैयार है हमारी कुंदरू की सब्ज़ी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।